नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ शनि की 7.5 और दशा से हो जाएंगे माला माल। सुने ये आसान उपाय। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से शनि देव समस्त प्राणियों को उनके द्वारा पूर्व तथा वर्तमान जन्म में किए गए पाप कर्मों के अनुसार ही जीवन में शुभ कर्म करने का अवसर देते हैं। नवग्रहों में शनि देव को दंड नायक के रूप में स्वीकार किया गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से शनि देव समस्त प्राणियों को उनके द्वारा पूर्व तथा वर्तमान जन्म में किए गए पाप कर्मों के अनुसार ही जीवन में रोग, अशांति, अपयश, अवनति, दुख, मृत्यु तुल्य कष्ट आदि दंड देकर जीवन को सुधार कर शुभ कर्म करने का अवसर देते हैं। वहीं पूर्व जन्म में शुभ कर्म करने वालों की जन्म कुंडली में स्व या उच्च राशि में विराजमान होकर धन संपत्ति, आरोग्य, शांति, सम्मान, सुख आदि प्रदान करते हैं। शनि के ढैया और 7.5। शनि शनि चाल से चलने के कारण शनि देव को शनिश्चर भी कहा जाता है। जब शनि देव जन्म राशि से 12वें पहले या दूसरे स्थान पर आ जाते हैं तो जातक पर 7.5 की शुरुआत हो जाती है, जो 7.5 वर्षों तक चलती है। शनि देव गोचर से 12वें स्थान पर होने से सिर में जन्म राशि में होने पर हृदय पर तथा दूसरे स्थान में होने पर पैरों पर उतरते हुए अपना प्रभाव डालते हैं। जन्म राशि से 4थे अथवा 8वें स्थान में शनि देव के आने पर ढैया होती है, जो 2.5 वर्षों तक चलती है। शनि देव के अशुभ ग्रहों से युत या द्रष्ट होने या निश्चित होने के कारण जातक को शनि देव की 7.5 या ढैया की अवधि में शारीरिक या मानसिक कष्ट, रोग, कलह, धनाभाव, अपमान, दुख, अवनति जैसी विभिन्न समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। शनि के अशुभ प्रभाव से कैसे बचे? जातक द्वारा किए गए पाप कर्मों के लिए शनि देव समय आने पर दंड देते हैं। शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत से उपाय किए गए हैं, जिनमें हनुमान जी की उपासना, शनि चालीसा का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जप, शनि अष्टक का पाठ, सूर्य देव की उपासना, पीपल के वृक्ष का पूजन, काले घोड़े की नाल वाली अंगूठी धारण करना आदि प्रमुख हैं। शनि देव से संबंधित मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रो सा शनिवे नवा का 1, 5 या 11 माला जप प्रतिदिन करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए काले तिल, काली उड़द, काले जूते, छतरी, कंबल, काले पुष्प या वस्त्र, नीलम, भैंस, सरसों का तेल, लोहा आदि का दान शनिवार को करना चाहिए। अल्प मृत्यु का भय और बार बार होने वाले रोगों से बचाव के लिए शनि सोष्ठ का पाठ करना चाहिए। माता पिता एवं बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से भी शनिदेव जातक को शुभ प्रभाव देते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।